नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी फार्मेसी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के थर्ड यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। तो जिसमें हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स मतलब होता क्या है, फिर हम उसके नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। तो जिसमें हम अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, एंड नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज। तो इसी तरह अलग अलग जो मेथड्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप फार्मा से रिलेटेड दूसरे भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए हमारे वेबसाइट की लिंक्स से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आप फार्मा से रिलेटेड बुक्स को खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक्स आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स मतलब क्या होता है। अल्काइल हैलाइड्स यानी एक कार्बन चेन जिसमें एक हैलोजन ग्रुप्स अटैच होता है, तो जिसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम द अल्केन्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम्स आर नोन एज अल्काइल हैलाइड्स। यानी एक कंपाउंड जो कि एक अल्केन से डिराइव होता है, यानी अल्केन से बनता है, उसमें एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर वहाँ पर अगर हम हैलोजन एटम को अटैच करेंगे तो वो बनेगा अल्काइल हैलाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे उसके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिया है नोमेनक्लेचर, जिसमें उसके जो स्ट्रक्चर्स, फार्मूला एंड कॉमन नेम एंड आईपीएक नेम के हिसाब से लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक मीथेन ग्रुप जो है वो अगर एक क्लोरीन से अटैच होता है तो मिथाइल क्लोराइड, फिर उससे आईपीएक नेम है क्लोरोमीथेन, फिर इथल अगर क्लोरीन से अटैच होता है तो इथल क्लोराइड, क्लोरोइथेन एंड एन प्रोपाइल क्लोराइड। यानी इसमें तीन है इसलिए प्रोपाइल क्लोराइड, एंड इसे हम वन क्लोरो प्रोपेन भी कह सकते हैं क्योंकि ये वन पोजीशन में अटैच होता है इसके क्लोरीन। तो ये जो है लास्ट में जो हम जितने भी नोमेनक्लेचर देखे हैं उसी तरह होता है, वे अल्फाबेटिकल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे लॉन्ग चेन को हमें फाइंड आउट करना होता है, फिर उसके जो नेमिंग है वो अल्फ़ाबेटिकली होता है, और नेक्स्ट जो है फोर्थ वन वो है आइसो ग्रुप्स है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन में दो अटैच होते हैं अलग इसमें, तो ये है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, फिर टू क्लोरो प्रोपेन जो है इसका आईपीएक नेम है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसे तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो फर्स्ट है जो एग्जाम उसके फार्मूला है RCH, तो R जो है अल्काइल ग्रुप्स है, RCH2X जो एक्स यानी हैलोजन। नेक्स्ट है सेकेंडरी जो कि दो अल्काइल से अटैच होता है। नेक्स्ट टर्शियरी यानी तीन या फिर उससे ज़्यादा, तो यह है मिथाइल ब्रोमाइड क्योंकि यहाँ पर एक हैलोजन से अटैच होता है, फिर है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो कि दो जो कि कार्बन्स है उसमें एक CH जो कि एक सेकेंडरी है CH3 यहाँ पर BR है जो कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, और टर्शियरी जो कि थर्ड CH3 अटैच होती है, तो इसलिए हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं। तो इसे तीन तरीके से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स से क्लासिफाई किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अल्कोहल से प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम एक अल्कोहल को हैलोजन एसिड यानी HCl या फिर HBr से रिएक्ट करेंगे तो अल्काइल हैलाइड्स बनता है, यानी जो साइड प्रोडक्ट्स है वो वाटर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है मेथनॉल, अगर हम उसे HCl से रिएक्ट करेंगे तो मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है एंड वाटर। फिर नेक्स्ट जो है इसे हम इथेनॉल कहते हैं, मिथेन इथेन OH यानी इथेनॉल। अगर हम इसे HBr से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ब्रोमो मिथेन बनता है। तो ये रहा अल्कोहल। तो अल्कोहल में हमने उसके साइड्स जो है हमने देखे बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, यानी जिसमें हम हैलोजन एसिड को ऐड किए। फिर उसी तरह फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन अगर हम फ्रॉम अल्किन तो हाइड्रोकार्बन ये जो है हाइड्रोकार्बन है, तो जिसमें हम अल्किन को लिया है, अल्किन यानी यहाँ पर हमने इथिन को लिया है। अगर हम वहाँ पर HI को लेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड को लेंगे तो आयोडोइथेन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है अल्केन से, तो यहाँ पर एक मीथेन है, अगर हम उसे क्लोराइड या फिर हम UV से रिएक्ट करेंगे तो बने वहाँ पर फॉर्मेशन होगा क्लोरोमीथेन। तो वही क्लोरोमीथेन यहाँ से एक HCl रिमूव होता है,
फिर वही क्लोरोमीथेन को हम सेम प्रोडक्ट सेम कैटलाइज्ड सी एल टू एंड यूवी से रिएक्ट करेंगे तो डाइक्लोरोमीथेन, फिर उसी प्रोडक्ट को हम फिर से रिएक्ट करेंगे तो ट्राईक्लोरो, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी इसी तरह वो फॉर्मेशन होते रहता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है बाई हैलाइड्स एक्सचेंज, यानी जो हैलाइड्स होते हैं अल्कल हैलाइड्स, तो हम वही अल्कल हैलाइड्स को अगर हम हैलोजन से एक्सचेंज करेंगे तो हमें जो है अल्कल हैलाइड्स फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर ब्रोमो इथेन है, फिर अगर हम उसे सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होगा आयोडो इथेन, यानी ये जो आयोडीन है यहाँ पर अटैच होगा और ये जो बी आर है यहाँ पर है एन ए सोडियम एंड ब्रोमिन, तो बन जाएगा एन ए बी आर सोडियम ब्रोमाइड जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो है हैलाइड्स जो हैलोजन है वो एक्सचेंज होता है, जो आई है एंड बी आर है दोनों हैलोजन है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एसीटोन। नेक्स्ट है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, तो यहाँ पर एक सिल्वर सॉल्ट्स जिसे हम कहते हैं सिल्वर प्रोपोनेट, उसे अगर हम बी आर टू से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लैक्स में रखकर तो ब्रोमोइथेन फॉर्मेशन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और जो है सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर जो है साइड प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता है। उसके मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे तो मैकेनिज्म में जो है यहाँ पर जो है एक सिल्वर प्रोपोनाइट एसिड्स, यानी यहाँ पर हम CH3CH2 लिया है तो यहाँ पर सिर्फ हम लेंगे R जो कि अल्काइल ग्रुप है, तो इसे हम सिल्वर प्रोपोनाइट समझते हैं। तो सिल्वर प्रोपोनाइट जब Br2 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर जो है असाइल हाइपोब्रोमाइट फॉर्मेशन होता है, असाइल हाइपोब्रोमाइट फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम असाइल हाइपोब्रोमाइट यहाँ पर है AgBr। तो असल हाइपोब्रोमाइड जब हम नेक्स्ट Br से रिएक्ट करेंगे जो कि यहाँ पर एक 1Br अटैच हुआ है, नेक्स्ट वहाँ पर Br से फिर यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्मेशन जो कि हम जब हम इस असल ब्रोमाइड को जब हम एक Br को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर जो एक रेडिकल फॉर्मेशन होता है, तो ये रहा जो है अल्काइल फ्री रेडिकल्स। तो ये रेडिकल्स को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा एक रेडिकल के साथ, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 अलग हो जाता है। तो वही जो रेडिकल्स होता है अल्काइल का रेडिकल जो है अल्काइल फ्री रेडिकल्स, यहाँ पर जो है रेडिकल्स से अल्काइल फ्री रेडिकल्स को अगर हम उसी तरह असाइल हाइपोब्रोमाइड से रिएक्ट करेंगे तो जो होगा अल्काइल हैलाइड्स फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जो है एक रेडिकल प्रोडक्ट्स अलग हो जाता है एक्सेट्रा, कुछ और भी फॉर्मेशन होता है। तो अल्काइल हैलाइड जो होता है फ्री रेडिकल अल्काइल हैलाइड फ्री रेडिकल्स जो होता है अल्काइल के वो ब्रोमाइड से रिएक्ट करता है तो RBr यानी अल्काइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर एक ब्रोमाइड रेडिकल्स फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा इसके जो मैकेनिज्म। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम उसके SN1 SN2 रिएक्शन यानी उसके जो केमिकल्स रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड्स के उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम टोटली सभी टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।